दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं जमशेदपुर में हूँ और जमशेदपुर में भी कि जमशेदपुर की नहीं पूरे झारखंड की बात करूँगा तो 2-3 महीने में चुनाव है और झारखंड में अभी चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी मुद्दा है झारखंड के लिए, पिछले दिनों आपने सुना ही होगा कि संथाल परगना में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बना हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में हर ज़िले में घुसते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर इकाई के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अभय सिंह जी से मिलने आया हूँ। अभय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वर्षों से झारखंड जमशेदपुर में सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर खास करके मैं कहूँगा तो सनातन धर्म के लिए अगर प्रमुख नाम है, अग्रणी भूमिका में रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, वो उनका नाम अभय सिंह जी का नाम आता है। इसलिए आज जो मुद्दा है झारखंड में जो गरमाई हुई है बांग्लादेशी मुद्दा, उस पर मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छा बात कोई नहीं बता सकता है। अभय जी, अब तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है करता हूँ मैं। और आप मुझे ये बताइए, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है झारखंड के लिए और शायद आपके लिए, आप ज़्यादा चिंतित होंगे क्योंकि आप सनातन के लिए सबसे आगे रहते हैं, प्रमुखता से लड़ते हैं, जो ये बांग्लादेशी मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठी जो है झारखंड में घुसते जा रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी जो कांग्रेस हो या भी और भी दल के लोग हैं, उनका चुप्पी साधना, कुछ ना कहना, आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर आज मुझसे रूबरू होकर के आम जनमानस के बीच में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी बातों को आप ले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा झारखंड की जनता को, जमशेदपुर की जनता को, ये केवल सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के सवाल पर यह विषय खड़ा हो गया है। आज बांग्लादेशी घुसपैठ की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यह बरसों पुराना यह मामला धीरे धीरे अब हमारे झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए यह बिल्कुल नासूर बन चुका है। अगर हम अभी भी नहीं चेते, जहाँ पर विगत दिनों सीबीआई के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भारत के अंदर में जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, यह आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय होगा। और इसी के तहत झारखंड में जब बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे अपने जोर शोर के साथ में अपने पैर को पसार रहा है, लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा, भोले भाले आदिवासी भाइयों को बरगला करके जमीन हथियाया जा रहा है, हमारी आदिवासी महिलाओं को लोभ लालच और लव जिहाद करके उसको फांस करके उनके धर्म को परिवर्तन कर रहा है, और एक बहुत बड़ी आबादी आज संथाल परगना के जिले में है। आप जाकर के खुद देखें कि पाकुड़ में जब आप जाएंगे तो पाकुड़ में बांग्लादेशियों के कारण, उनके घुसपैठियों के कारण आज वहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आज वह परिस्थिति है कि आप चाह करके भी वहाँ अपने मन के मुताबिक लोगों को आप एमपी एमएलए नहीं बना सकते हैं। वहाँ जब भी एमपी एमएलए बनेगा, बांग्लादेशी जिसको चाहेंगे, घुसपैठिया जिसको चाहेंगे, वैसे लोगों को वह एमपी एमएलए बना रहा है। यह केवल एमपी एमएलए बनाने का विषय नहीं है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमको धीरे धीरे पूरे झारखंड, अब फिर धीरे धीरे पूरे जिस प्रकार बंगाल की स्थिति का निर्माण कर दिए हैं, उसी प्रकार झारखंड का करेंगे, आने वाले समय में पूरे भारत का करेंगे। अब इधर बांग्लादेशी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ
आप देखें बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता परिवर्तन हो गया है, जनता सड़कों पर आ गई है। जो 5 महीने पहले बहुमत की सरकार थी शेख हसीना का, उस शेख हसीना को प्रधानमंत्री को अपने सेना की मदद से वहाँ छोड़ करके भागना पड़ा। जो बांग्लादेशी अपने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था बना करके नहीं रख पा रहे हैं, वही बांग्लादेशी कल झारखंड में या बंगाल में या भारत में जब अत्यधिक रूप से बढ़ जाएंगे तब वह नंगा नाच बिल्कुल होगा। एक कहावत है कि अगर पड़ोस जल रहा है तो कल आपकी बारी है कि अगर आप चेतेंगे नहीं तो आपको भी लोग कल जलाएंगे। तो आज वही परिस्थिति है जो आज बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में, वह कल का भारत है। कल के भारत में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसी प्रकार का स्थिति का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमान है बांग्लादेशी यह विषय नहीं है, हमारा विषय है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो भारत में प्रवेश कर रहा है अनाधिकृत रूप से, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब हम विरोध करते हैं तो लोगों को लगता है कि मुसलमान का विरोध करते हैं। यह सत्य है कि वैसे समुदाय के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारी देश के डेमोग्राफी को अगर वह चेंज कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम उसका विरोध करते हैं। सबसे पहला टारगेटेड लोगों ने देहात को बनाया, देहात में जा कर के मिस्त्री के माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से ये लोग जा करके वहाँ काम करेंगे और वहाँ पर जा करके काम करके ये लोग धीरे धीरे वहाँ की लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को फंसा करके, लब देहात दिखा करके, शादी रचा करके, मुखिया रहती है सोमवारी मुर्मू लेकिन पति रहता अशफाकुल्ला खान। तो इस प्रकार का डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, इसके प्रति अगर कोई दल चिंतित है तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग चिंतित नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि वोट बैंक की राजनीति हमारी बढ़ रही है, हम सत्ता परिवर्तन कर लेंगे इसी